सारा ओम जय शिव ओम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं पूजा के बर्तन वगैरह सब धो लिया है और पूजा का जो कपड़ा है, आसन, जितने भी कपड़े हैं पूजा पाठ के, वो सारा मैं साफ कर रही हूँ। आज मैं करवाने वाली हूँ शिव चर्चा, शिव जी का भजन, जो कि सावन में मैं हर बार करवाती हूँ। हर बार तो ऐसे मैं सोमवार के दिन ही करवाती हूँ व्रत वाले दिन, बट इस बार मेरा जो एक्सीडेंट हो गया इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। बट कोई नहीं, सावन में कभी भी करवा सकते हैं। पूरा महीने सावन में जो है ना, भोले बाबा का ही दिन होता है, कभी भी करा सकते हैं। बट मैं व्रत रखती हूँ ना, इस वजह से मैं उस दिन करवाती थी कि चलो उनका व्रत भी रखती हूँ, भजन भी हो जाएगा। 12:05, लेकिन 12 बजे से पहले मैंने पूजा कर लिया था और अभी मैं निकल रही हूँ बेटे को लाने के लिए। टाइम हो गया है, जा रही हूँ। और आज भी मेरा व्रत ही है, जब तक से मैं पूजा नहीं कर रही हूँ तब तक से मैं कुछ खाऊंगी नहीं। बेटे को मैं पहले ले आई थी, फिर अभी बेटी का भी टाइम हो गया है। पायलट बनेगी, पायलट। यहाँ देखिए दोनों बच्चों खा रहे हैं खाना। मैंने बनाया था खिचड़ी, जो कि वेजिटेबल्स वगैरह भी डाला था, इसलिए वो निकाल निकाल के खा रही। दोनों नक चढ़े हैं, फ़ोन लेके बैठे हैं और मेरा सारा काम हो गया। बच्चे स्कूल चले गए थे, इस वजह से मैंने सारा काम कर लिया था, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन सब कुछ मैंने कर लिया था। कपड़े तो ज़्यादा नहीं धोई थी और बस मुझे तैयारी अभी करनी है। खा लिए हैं, किचन वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। यहाँ पे जो फ्रूट्स वगैरह है ये सब मैं धो ले रही हूँ, अच्छे से सब साफ करके रख दे रही हूँ, पानी वानी, ताकि इसका निकल जाए। और बस सबका वेट कर रही हूँ, जल्दी से सब आए तो मैं रेडी हूँ, तैयारी करके मैं रखती हूँ। जब तक पाँच लेडीज होंगी नहीं तो पूजा स्टार्ट कर भी नहीं सकती हूँ मैं। तो साफ पानी से यहाँ पर मैंने सब साफ़ कर लिया, आरू के पानी से भी तैयारी किए रहूँगी। सब लोग आएंगे तो जल्दी पूजा भी हो जाएगा, शुरुआत भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखो नीचे वो कालीन बिछा रही हूँ कि सबको बैठने के लिए, और मैं रेडी भी हो गई। ये साड़ी मुझे पहनना नहीं आ रही, साड़ी मुझे दी थी दीदी जब मैं बिक्कू की शादी में गई थी। शादी वाला भी लोग देखा होगा आपने फरवरी महीने में, तो जो लोग नहीं देखे हो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी कर दिया, मैं साड़ी नहीं अच्छे से पहन पाई क्योंकि पहली बार ये साड़ी पहना है, और ये ऐसी साड़ियाँ जो है ना अच्छे से प्लेट नहीं बन। वेट कर रही हूँ सब लोगों का, अभी तक आए नहीं, अब आ रहे हैं शायद। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सुनीता भाभी आई, उनका बेटा, बेटी आएगी बाद में, अभी नहीं आई है। तो मैंने बोला भाभी मैंने सबसे पहले मेरा साड़ी का पिन लगा देना। तो ये फ्रूट्स वगैरह लाई थी पूजा के लिए, प्रसाद के लिए, तो केला, नारियल और मौसमी से ये सब लेके आई थी। तो सबसे पहले यही आई है, मैंने कहा पहले मेरे साड़ी का पिन अच्छे से करो साड़ी, तब जाके पूजा का तैयारी होगा। तो यहाँ पे पूजा का मैंने देखो भगवान जी का फोटो लगा लिया, शिव गुरु का। यहाँ सारी सहेलियाँ मेरी आ गई हैं, मतलब कुछ आई हैं कुछ बाकी हैं। ये जी माया भाभी है पिंक साड़ी वाली। तो यहाँ पे मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ, 3 लेडीज हैं लेकिन अभी करते करते वर भी सब आ जाएंगी, इनकी बेटियाँ भी हैं तो हो जाएंगी 5 मिला के। तो यहाँ सब बातें भी हो रही है, मैं बातें सुन भी रही हूँ और पूजा भी हो रहा है। सारे जो फ्लावर हैं जो मैंने पानी में पहले डाल लिए थे, और बेलपत्र एक एक करके, बहुत ही अच्छे अच्छे बेलपत्र थे, कोई भी टूटे फूटे कटे फटे नहीं थे। तो यहाँ ये सब मैं एक एक पत्ते को साफ करके अच्छे से चंदन लगा के मैं शिव गुरु को और भोले बाबा को मैं चढ़ा रही हूँ, क्योंकि बेलपत्र तो उनको अति प्रिय है, बहुत प्रिय है। और धतूरा भी, भांग भी, तो सारी चीज़ें मेरे पास थी। भांग तो मैं अपने गाँव से ही लेके आई थी, और यहाँ मिलता नहीं, यहाँ के लोग दुकानों में मिलता नहीं, कितना भी ढूँढो मैंने बहुत ढूँढा नहीं मिला। तो मैं गांव जाती हूँ तो गांव से ही लेके आती हूँ, और बाकी धतूरा तो मंदिर जहाँ पे फ्लावर मिलते हैं वहाँ मिल जाता है, 10 रुपये का एक मिलता है। तो यहाँ पे मेरे देखो बस पूजा की तैयारी है। I'm not afraid to die.
का पूजा करके भोग लगा के सबसे पहले शिव गुरु का किताब होता है उसमें से हमने 5 भजन गाए, फिर उसके बाद मैंने रात को नोट किया था तो वो भजन मैंने नोटबुक में लिखा था, तो यहाँ पे मस्ती से गा रही हूँ। पूजा पाठ यहाँ कंप्लीट हो चुकी है तो अब उनकी आरती हो रही है, शिव गुरु की आरती कर्पूर गौरम होता है वो हो रही है, फिर उसके बाद जय शिव ओंकार वो भी होगा। अधिक संगे ओम जय शिव ओंकार, ओम जय शिव ओंकार करके माध्यम। जितनी लेडीज हैं जितने बच्चे हैं सभी लोग यहाँ बारी बारी से आरती करेंगे, यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ अगर कथा पूजा होती है तो सबको आरती करने का मौका दिया जाता है, तो इसी तरीके से सब लोग देखो एक एक करके सब आरती करेंगे। आरती करने के बाद यहाँ पे हम लोग बस भगवान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, और जो प्रसाद मैंने इनका चढ़ाया था, जो प्रसाद होता है ना सिंगदाना और मिश्री का, वही इनका असली प्रसाद होता है, और ये इसको कागज़ से ढक के रखा जाता है, कोरे कागज़ से, फिर इस प्रसाद में ना ओम या फिर डमरू इस टाइप से इस यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ ना कुछ बन जाता है, तो हमारे में ओम दिख रहा था, तो सब लोगों ने देखा, फोटो भी लिया, वीडियो भी लिया, आपको भी दिख रहा होगा, अभी नज़दीक से नहीं दिखा रही हूँ लेकिन एकदम ओम जैसा है, अगर ध्यान से देखो तो ये प्रसाद करके फिर वापस से मेरे आंचल में। यहाँ पे देखिए ये आंचल पे मैंने लिया है प्रसाद, ये भोग का प्रसाद है, भोग मैंने लगाया था, और ये शिव गुरु का भोग सिर्फ यही लगता है, अलग से फ्रूट भी लगता है, बट यहाँ जो थाली में सींग दाना यानी जो मूंगफली का छोटा वाला दाना होता है वो, और मिश्री इनका ही भोग लगता है इनको, और नारियल बाद में मेरा बेटा भी फोड़ने आया है, तो इसमें से जो मिश्री और नारियल सिंह दाना है थोड़ा थोड़ा करके दोनों हाथ से एक सुहागन मुझे देगी अपने आंचल में, तो ये भाभी ने दिया तो मैंने बांधा, मुझे बांधने को नहीं आ रहा था तो मैंने उन्होंने मुझे मेरा आंचल को मतलब बांध दिया प्रसाद का, फिर मैं 5 सुहागनों कैसे दूंगी, तो इस तरीके से ये होता है, और ये जो आंचल में जो प्रसाद होता है ना जो लेडीज़ को जो मैंने दिया वही खाएगा, अगला आदमी कोई नहीं खा सकता है, बाकी प्रसाद तो अभी बाकी है, सबको देना है बारी बारी करके सबको देना है प्रसाद।
पे सबको प्रसाद दे दिया गया और जो भी नाश्ता था वो आलू का मतलब मैंने नाश्ता भी मंगवाया था चाय के साथ, तो कुछ लोगों के पास टाइम नहीं था, वो लोग चले गई थी तो उनको नाश्ता दे दिया और साथ में प्रसाद। और यहाँ पे भाभी चाय बना रही है ज़बरदस्ती चाय, मैंने कहा मैं बनाऊँगी लेकिन बहुत हेल्प कर देती है, सच्ची बता रही हूँ। मेरा आधा से ज़्यादा काम तो यही कर देती है, मैं तो कहती हूँ मेरा पूरा काम यही कर देती है, आधा से ज़्यादा क्या चलता करते तो हैं, ये बहुत अच्छी इतना कोई अपनों को ये ना करे। यहाँ देखिए भाभी चाय बना के लिए सबको दे रही है, जो मुझे करना चाहिए वो ये कर रही है, मेरे से बड़ी है फिर भी इतना करती है, इतना क्या बहुत कुछ करती हैं। और चाय भी बहुत अच्छा बना था, सब लोग साथ में चाय पिए, फिर कुछ लोग सोफे पे बैठ के, कुछ लोग नीचे बैठ के, और जिनको जाना था हैसियत के हिसाब से मिलेगा। छोटा वाला बड़ा वाला आप लोग खाए पिए, मेरा ध्यान गिर जाने, मुझे पता है चाय गर्म पिए, ज्योति बहन मेरे हाथ मेरे घर का चाय पीजिए। ए स्वामी हमारा ले भी नहीं, इसमें भी है, इसमें मैच नहीं कर रहा है ये मोटा हो पतला वाला, दो इसको कौन पिएगा, मैं पीऊंगी। लो स्वामी हमारा वीडियो तो सबके हाथ में कप है और हम दोनों को देखो बड़ा वाले कप में दिया गया, क्योंकि हम लोग थोड़े मोटे मोटे हैं इसलिए थोड़ा यहाँ पे हम लोगों का फनी हो गया था कि ये मोटे हैं इसलिए बड़े कप में दिया जा रहा है, मोटे कप में। तो सब लोग नीचे यहाँ बैठ के कारपेट पे बैठ के आराम से चाय पिए, इंजॉय किए, रील्स भी बनाए, डांस भी किया, तो आप लोगों ने देखा होगा। बट ये वीडियो बहुत लेट मैं डाल रही हूँ, अभी मैं मायके आई हूँ रक्षाबंधन में, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया, मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि मैं काम करती हूँ यहाँ, लेकिन होता है फैमिली एक जगह इकट्ठा होती है तो समय नहीं मिल पाता है, इस वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पाई, तो आज मैं वीडियो डाल रही हूँ, आज ही डाल भी रही हूँ। भाभी ने प्रणाम करो बच्चा।